क्या था वो? मतलब आप उसको खतरनाक खतरनाक मूवी दिखा रहे हो। हैप्पी होली, आज है छोटी होली और हमारे राजकुमार यहाँ पे सो रहे हैं। और ये है दाल जो कि अभी मुझे पीसनी है, ये मैंने भिगा के रखी थी, ये देखो ये अभी हमें पीसनी है। काली दाल है, काली दाल के पकोड़े बनाने हैं। नॉर्मली कुछ ज़्यादा नहीं डालना नमक डाल के। और ये हमारे रश्मि जी ने निकाल ली है मिक्सी दाल पीसने के लिए। मैं सिखाऊं अगर आपको नहीं आ रहा हो तो मुझे बता दो, मैं सिखा दूंगा। आपको मैंने बोला था बनाने के लिए पर आपने बोला भी नहीं, तो मैंने दाल पीस दी है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दिया। दाल इधर पीस दी है, दाल मशीन में पीसी है, उसमें धुआं निकल गया आज। मशीन जल गई ऐसा लग रहा है जैसे। और गाइस मेरे पास ना यहाँ पे मतलब कुछ कुछ सामान अवेलेबल भी नहीं है, जिस तरीके से मतलब जो भी सामान अवेलेबल है उसी तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। आज है छोटी होली, आप सबको छोटी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये सूट वेयर कर लिया है, मंगलसूत्र भी डाल लिया है और ये थोड़ी सी चूड़ियाँ भी डाली हैं। आप मैंने बीच में कांच की है और साइड साइड में जो लाख की चूड़ियाँ होती है ना वो वाली है। और मैं इसी तरीके से तैयार हुई हूँ। हल्का हल्का सा पसीना आ रहा है वो इसलिए क्योंकि मैंने पंखा बंद कर दिया है। बस अभी विशु को रेडी करना है, अश्मित जी गए हैं नहाने के लिए और पकौड़ी पूरी बन चुकी हैं। और क्या है ना, यहाँ पे मेरे को कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है कि होली की छोटी पूजा कहाँ पे होती है। सो और चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं। सो यहाँ पे ना बताशों वाली माला मिल रही है, मखाने टाइप की माला नहीं मिल रही है। सो जैसा मतलब हमारे यहाँ होता है वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपको पता है मैं गुजरात में हूँ। सो जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं अभी मैं उसी तरीके से पूजा कर दूंगी, ठीक है। मन में शांति रखो और ऐसा नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं है, जो कुछ है जितना है उसी में हमें पूजा करनी है अभी। सो मैं उसी तरीके से पूजा करूंगी जो जो चीज़ें हैं अभी मेरे पास। तो चलिए पूजा की तैयारी कर लेते हैं, सारा सामान रेडी कर लेते हैं, फिर चलते हैं पूजा के लिए। और अपने नन्हे मुन्ने राजकुमार को भी रेडी कर लेते हैं जिन्होंने मेरी बिंदी ले ली है। और आप देखो इतने समझदार है ना मेरे विशु, उन्होंने कहा कि मम्मा रेडी हो चुकी है तो मम्मा की स्लीपर भी लेके आ गए। विशु स्लीपर पहने मम्मा, सो मम्मी की स्लीपर भी लेके आ गए हैं। उनको पता है मैं यही वाला स्लीपर पहनती हूँ। तो चलो अभी बस मुझे इसके साथ दुपट्टा लेना है। मैंने साड़ी नहीं वेयर किया, सोचा कि सूट ही सही रहेगा, सो मैंने सूट वेयर कर लिया है और बस इस तरीके से मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखो हमारे राजा बेटा बिंदी लगाई बिंदी। सो फ्रेंड्स, मैंने फटाफट से विशु को रेडी कर दिया है और अपनी पूजा की थाली भी लगा दी है। आप देखोगे पूजा की थाली में मैंने ये सब सामान रेडी करके रख दिया। अभी यहाँ पे हमें है नारियल की जरूरत, तो कल हम गए थे मार्केट में बट वहाँ पे नारियल नहीं मिला सूखा वाला। ये मैंने दाल के पकौड़े रख दिए हैं, माचिस रख दी है, रोली रख दी है, कलावा, चावल, हल्दी और ये है आटे का दिया, देसी घी, और ये है पानी। पानी में हल्का सा हल्दी डाला है, थोड़ी सी चने की दाल डालनी है अभी बट अभी नहीं डाली है। ये है 11 रुपये, पैसे आप कितने भी रख सकते हैं। और ये है 5 पूरियाँ और इसमें मेरे को जो गोबर की माला जो होती है वो भी अभी हमें चाहिए है पर वो नहीं है मेरे पास। तो क्या करेंगे हम, दिए से ही काम चलाएंगे अभी। और ये सारा सामान रेडी है अभी और अभी चलना है हमें पूजा के लिए। तो विशु चले पूजा के लिए, चले चले।
इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। पूजा करने के लिए चलो बस। चलो 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 विशु आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। विशु देखो ढक रहे हैं। विशु ऐसे। सो फ्रेंड्स अभी अश्मित जी भी रेडी हो गए हैं और विशु जब ना अपने न्यू कपड़े पहनते हैं ना वो बिल्कुल भी कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। सो इन दोनों लोगों को देखो गुम्मी चले। इन दोनों लोगों की मस्ती देखो। गुम्मी चले विशु बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं। दिखा है क्या क्या है? ये पढ़ाई करते हैं जब टी शर्ट में कुछ लिखा होता है। बाबू आप कितना लेट कर रहे हो यार चलते क्यों नहीं आ रहा? रेडी 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 मतलब आ, क्या हो चलो इतना देर कर रहे हो। चलो 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 जल्दी चलो चलो विशु चलो विशु बॉल यहीं रखो बॉल यहीं रखो बॉल रखो बेटा बॉल यहीं रखो विशु भाई चलो साथ जाना चाहते हैं। चलो 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 विशु कैसे आप अब भी नहीं चलना चाह रहे हो ना? ये अंकित जी लेट कर रहे हैं नाम मेरा ले रहे हैं ना यार चलो यार फटाफट चलो यार ये औरत ना बहुत पकाती है। गाइस हम ना पता रेडी वेडी होके ना जाने लगे थे तो इसी तरह पे हमारी आंटी हैं जो कि बहुत अच्छी है उन्होंने हमें बताया कि सोसाइटी में ही है। हम तो कहाँ जाने वाले थे अभी आ चुके हैं हम वहाँ से और आपको पता है हम पता है ढूंढने के लिए जाने वाले थे क्योंकि अब सोसाइटी के अंदर हम गए नहीं थे तो इसलिए हमें पता भी नहीं था कि सोसाइटी में ही हो रहा है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई भी पूजा वाला काम होता है बहुत दिल को शांति मिलती है अच्छा लगता है। सो आपने देखा कितने अच्छे से पूजा वगैरह सब हो गई है और सोसाइटी का टाइम ना मतलब सारे लोगों का एक ही रहता है तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकली तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चला। तुम्हारी मौसी का नाम क्या है? ये देखो मेरी मौसी का नाम ले रहे हो क्या नाम अभी ले रहे थे आप अपनी मौसी का नाम शांति ये देखो मेरी मौसी का नाम शांति है तो ये नाम ले रहे हैं। सो अभी मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और सभी लोगों ने देखो सोसाइटी वालों ने सबने अच्छे से पूजा करी है बहुत अच्छे से होता है यहाँ पे ना सब कुछ जो भी होता है और मिलजुल के होता है सारा मतलब सब लोग एक साथ ही करते हैं। और पूजा मैंने कर ली है अभी हमें जाना है डी मार्ट। डी मार्ट थोड़ा सा सामान लेके आना है क्या क्या सामान लेके आना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गुम्मी गुम्मी और ये हीरो इतने ही डराने लगे हैं ना कि बस क्या ही बोले। इधर आओ चले गुम्मी चले देखो जैसे ही मेरा कैमरा निकलेगा ना इनका ना दूर भागना स्टार्ट हो जाता है। विशु बात कर दो अच्छा बता दो फायर ट्रक कैसे चलता है? फायर ट्रक
सुबह में इतनी बातें कर रहे थे ना, मेरा ये सुन देखो, सुबह में इतनी बातें कर रहे थे अपने पापा के साथ, बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। तो चलो ज्यादा देर नहीं करते ना, फिर खाने वाने का भी टाइम हो जाएगा, चल लेते हैं डीमार्ट और फिर आ जाते हैं। और मैंने तो कल आपको सामान भी नहीं दिखाया ना कि हम क्या क्या लेके आए थे। मैं ज़्यादा कुछ लेके आई थी, विशु के लिए बैलून लाई थी, पिचकारी लाई थी और थोड़े से चिप्स वगैरह ले आए थे जो कि आपको दिवाली में दिखी, ओ सॉरी होली में दिखी जाएंगे। अगेन हैप्पी होली और होली माता आपके घर में सुख शांति रखे, सारी मुसीबतें इस आग में चली जाएं सभी लोगों की, और सारे लोग हैप्पी रहें, खुश रहें और रंग बिरंगे रंगों की तरह खिलते रहें। मेरे हस्बैंड जी इतने ज़्यादा सपोर्टिव है ना कि मेरी बीवी वीडियो बना रही है तो मैं पूजा कर देता हूँ यहाँ पे। छो छुई, थैंक यू जोना जी। हो गया आपका? यार सच्ची में अश्वेत जी की जितनी तारीफ करो, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वेरी गुड। 5 किलो ले रहे हो क्या? आज विशु का हमने नया स्टाइल कर दिया देखो। गाइस मैं ना कंफ्यूज हो रही हूँ, मैंने ये दो मतलब ये बॉक्सेस ले लिए हैं बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे ना ये बॉटल वाला ऑप्शन भी है, मैं बॉटल लूँ और इसमें इतने सारे कलर है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, रंग बिरंगे। और बॉटल भी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ना इसकी। तो अश्मित जी बोल रहे हैं कि बॉक्स सही रहेंगे और मैं बोल रही हूँ कि बॉटल सही रहेगी। बॉटल ले लो यार। चलो हमने तो ये ले लिया, अब हम यही सही है यार देने के हिसाब से। अब ये अश्मित जी बोल रहे हैं, कंफ्यूज करते हैं ना कि अगर आपको बॉटल लेनी है तो बॉटल ले लो, अब पता नहीं। चलो यही ले लिया, अब यही सही है ना। ये चेंज कर लिया इतनी जल्दी, ये नहीं है या फिर अभी कल ही तो कपड़े लिए हैं, दोबारा से कपड़े लेने हैं आपको? ये अच्छी है, कोई सी अच्छी नहीं है। सो फ्रेंड्स जो हम ना कल पिचकारी लेके आए थे ना, विशु उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी हम विशु के लिए दोबारा से यहाँ पे ट्राई करके ही पिचकारी लेंगे। पर ये मेरे फोन को क्या हो गया है, इतना ज्यादा नहीं दिया है अभी ना उसको। भैया तो पानी डाल के चेक कर लेंगे। अरे आंटी लेके आए हैं पर वो नहीं चला पा रहा है ना। पकड़ो विशु, पकड़ो इसको, चलाओ चलाओ, चला के देखो, चलाओ। विशु चला ही नहीं पा रहे हैं, पिचकारियां तो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी है देखो। मेरे को ना ये वाली पिचकारी लेने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था बट इसमें ना सिस्टम ही अलग है चलाने का ना, तो विशु नहीं यूज़ कर पाएंगे। डीमार्ट से आ चुके हैं और ये जो आप देख रहे हो ना, ये डब्बे हम देने के लिए लेके आए हैं, जो मेरी हाउस हेल्पर हैं एक उनके लिए और जो मॉर्निंग में कचरा लेने आते हैं उनके लिए। सो यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें कि यही ले लेते हैं। और वहाँ पे जो डीमार्ट वाले भैया थे उन्होंने बोला था एक बार चेक कर लो, तो इसकी पैकिंग खोल दी गई है। ये दो ये ले आए थे, कल है होली, और मैकेन का ये फ्रेंच फ्राइज भी ले आए हैं और ये चीज़ वाले बॉल्स भी ले आए हैं जिनको हम नाश्ते में खाने वाले हैं, दूध भी ले आए हैं और श्रीखंड खाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल भी ले आए हैं, मूंग दाल भी ले आए हैं। यही सामान था जो कि लेके आना था। और क्या था ना, आज मम्मी बोल रही थी कि साड़ी पहन लेना, मेरे को ना साड़ी पहनने में इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। सो साड़ी पहनने का तो नहीं था, सूट वेयर कर लिया, बट सूट भी ठीक ही लग रहा है क्योंकि ज़्यादा तो कुछ नहीं करना था, पूजा ही करनी थी तो पूजा के रेड वेयर करते, तो रेड वेयर कर लिया मैंने। और कल है होली, सो होली की थोड़ी बहुत तैयारियाँ हो गई हैं और माता रानी ने जितना दिया है मुझे मैं खुश हूँ और मैं कोशिश करती हूँ
कि मैं अपने से दूसरों को भी खुश करूं जितना मेरे से हो। ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, पर जितना मुझसे हो पाता है मैं कोशिश पूरी करती हूँ। उसमें क्या है ना, थोड़ा सा गुजिया रख दूँगी और रुपए रख देंगे और जो भी हमारे यहाँ नाश्ता बनेगा वो रख देंगे और कंटेनर में उन दीदी को दे देंगे। इस तरीके से मैं करूँगी। सो अभी ही आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना कि कैसा लगा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।